हरे कृष्णा। हमारे सारे व्यूअर्स को स्पिरिचुअल रिदम का प्रणाम। भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास, साधना, तपस्या, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति में व्रत और उपवास के बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है। ऐसा ही एक व्रत है एकादशी का व्रत, जो भगवान हरि और उनके भक्तों को अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए इसे हरिवसरा तथा माधव तिथि भी कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेर विष्णु परिनानी कारणम। इसका अर्थ है, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। फल रूपी वे हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति तथा हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार प्रख्यात ऋषि जैमिनी ने महर्षि व्यास से प्रश्न किया, पूछा कि एकादशी का क्या महत्व है और वो कब, क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। महर्षि व्यास ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान विष्णु ने देखा कि आने वाले समय और युगों में मनुष्य कई प्रकार के पाप और दुष्कर्म करेंगे। फल रूपी उन्हें नर्क की यातना भुगतनी पड़ेगी तथा वे जन्म और मृत्यु के दलदल में धंस जाएंगे। भगवान विष्णु को मनुष्य की ये स्थिति देखकर उन पर अत्यंत ही दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एक सुंदर स्त्री का विस्तार किया। क्योंकि वो 11वीं तिथि थी, इसलिए भगवान ने उसे एकादशी का नाम दिया। एकादशी ने कहा, हे भगवान, क्योंकि मैं आपसे उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए साधना, तपस्या तथा भक्ति से परिपूर्ण हूँ। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा आपसे संबंध सदैव ही बना रहे। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को अन्न का त्याग करेगा तथा मेरी भक्ति करेगा, उसके सर्व पापों का नाश होगा और वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा और उस दिन सारे पाप कर अन्न में निवास करेंगे। इसीलिए ही एकादशी के दिन अन्न का खाना वंचित माना गया है। इसी बात को श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताया गया है। कलयुग के प्रारंभ में ही महर्षि व्यास और सुत गोस्वामी जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ नैमिषारण्य नाम के तपोवन में यज्ञ कर रहे थे। तब कई ऋषि मुनियों ने सुत जी से प्रश्न किया, पूछा कि आने वाले इस कलयुग में जहाँ मनुष्य की बुद्धि केवल अपने शरीर की संतुष्टि और अपने अहम की पुष्टि तक ही सीमित रहेगी, पशुओं की हत्या, स्त्रियों और बालकों का शोषण करने वालों को ताकतवर समझा जाएगा, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस का सेवन करना, पराए स्त्री और पुरुषों से संबंध बनाना, ये सब उच्च श्रेणी में माना जाएगा, अधिक धन कमाने वालों की जय जयकार होगी, चाहे वे अज्ञानी और नराधम ही क्यों ना हो। ऐसे में एक मनुष्य जीव का कल्याण कैसे होगा। सूत जी ने बताया कि कलयुग में केवल दो बातें ही मनुष्य को बचा सकती है, एक है हरि नाम संकीर्तन और एकादशी के व्रत का पालन। सूत जी ने साल में आने वाली 24 एकादशी तथा अधिक महीने में आने वाली दो एकादशियों का वर्णन उनके नामों के साथ बताया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तार रूप से बताया है। एकादशी का व्रत हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चार पुरुषार्थ तो प्रदान करता ही है, साथ में भगवत भक्ति भी, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम, जो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य भी है। आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत इस कलयुग में हम किस प्रकार अच्छी तरह से कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण या फिर राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार फूल, तुलसी, चंदन, पंचामृत, गंगाजल तथा फलों का भोग लगाना चाहिए। हरि नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप सबसे उत्तम होता है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र की बड़ी ही महिमा है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। दिन में भागवत श्रवण या पठन करना चाहिए, भगवत गीता का पठन करना चाहिए
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्न, दाल, चावल, फली, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और ध्यान में रहे कि एकादशी का अर्थ केवल खाने पीने पर ही रोक लगाना नहीं, बल्कि अपने पांच इंद्रिय तथा एक मन जो सदैव ही तीव्र गति से दौड़ता रहता है, उसे नियंत्रित कर उसे भगवान की भक्ति में लगाना होता है। और हम भगवान की भक्ति में अपना मन तब लगा सकते हैं जब हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ और सुखी हो। इसीलिए दूध और फल जैसे आहार के साथ हम ऐसे कई दूसरे आहार भी ले सकते हैं जो अन्न ना हो, क्योंकि एकादशी का अर्थ भगवान के निकट रहकर, मन से निकट रहकर उनकी भक्ति करना होता है, ना ही भूख से विचलित रहना। उपवास, व्रत, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है तथा हमारी निरंतर चलने वाली पाचन क्रिया को भी थोड़ा विश्राम मिलता है। वैसे पहले के युगों में तो एकादशी की रात को जागरण किया जाता था। सारी रात हरि नाम संकीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण या पठन किया जाता, विष्णु सहस्र नाम का जाप किया जाता। किंतु आज के समय और युग में ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी जागकर हमें द्वादशी का पारण करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दूसरे दिन को द्वादशी कहते हैं। सुबह जल्दी जागकर सूर्योदय के पश्चात अन्न का ग्रहण करना चाहिए, तब एकादशी का व्रत परिपूर्ण होता है। भगवान की भक्ति, साधना, तपस्या यदि सच्चे मन और भक्ति भाव से की जाए तो उसका उचित फल हमें ज़रूर प्रदान करती है। आज के इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में ऐसी ही कोई बात लेकर हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।